और आज हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, दावत देना चाहूंगा उनको शो में, डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ जो कि एक पीडियाट्रिशियन है और न्यूट्रिशनिस्ट। तो हम अपने सारे सवाल उनकी तरफ डायरेक्ट करेंगे अराउंड मेल न्यूट्रिशन इन किड्स। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। तो बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। बहुत ही एक ये जरूरी टॉपिक है, इस पर बात करना भी बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में बच्चों को मुकम्मल गिजा नहीं मिलने की वजह से, जैसे अभी बात की हमने, 44% आयरन की कमी का शिकार हैं, 39.2% जिंक की कमी का शिकार हैं, तो ऐसा क्यों है? बेसिकली होता क्या है कि हम जब स्टार्ट करते हैं विद द प्रेगनेंसी के, अगर 1000 डेज ऑफ लाइफ वहीं आप अगर शुरू करें, तो हमारे मुल्क में माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द डे ऑफ प्रेगनेंसी टिल 2 ईयर्स ऑफ लाइफ ऑफ द किड, ऑफ बच्चा और माँ का भी। होता ये है कि हम जब प्रॉपर तरीके से गिज़ा माँ को नहीं मिलती, इस तरह प्रॉपर तरीके से गिज़ा बच्चों को नहीं मिलती। हमारे मुल्क में एक और चीज़ ये होती है कि बच्चे अगर घर में ज़्यादा हैं, तो होता क्या है कि घर में बच्चे ज़्यादा होने की वजह से तवज्जो माँ की कम होती है, इस वजह से उस तरह की डाइट प्रॉपर तरीके से हम दे नहीं पाते हैं। तो हम कभी कभी कहते हैं कि यार प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन को ऐड करें कि एनीमिया जो है या जिंक है या और दूसरी माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जो है उसको हम प्रॉपर तरीके से अवेल कर सकते हैं डाइट से, या फिर जो भी जो हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपने एग्जाम्पल ले लें कि आप बिस्किट्स ले लें, ये टाइगर बिस्किट्स हैं, या फिर आपने उसी के शेक्स बना दिए, या उसी के हवाले से जो है चीज़ें घुमा के सैंडविच के तौर पे दे दी, तो माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को हम कवर करते हैं। माइक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी लोगों को पता ही नहीं है होती क्या है। इससे स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन जो है हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाते हैं सडनली या फिर क्रॉनिक वे में, उसकी वजह से हमारे लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, या स्टंटन ग्रोथ है, या वेट नहीं बढ़ रहा होता, या हमारी जो है बच्चा जो है एनोरेक्सिया हो जाता है, मतलब भूख खत्म हो जाती है, या फिर स्लीपनेस हो जाता है यानी सोता नहीं है, बेचैन रहता है, स्टबन हो जाता है, मतलब गुस्सा आना उसको शुरू हो जाता है, चिड़चिड़ापन ज्यादा होता है आयरन की कमी की वजह से। तो ज्यादा बेटर ही होता है कि हम इन चीजों को, हमारी जो अगर बच्चा उन चीजों पर खाने पर आ नहीं रहा, हम चीजें ऐड करके एज ए न्यूट्रिशनिस्ट हम चीजों को रोल आउट करके चीजों को मिक्स करके ऐड करते हैं, जिसकी वजह से चीजें ऐड ऑन होने की वजह से बच्चे ज्यादा ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं। और बच्चों की फेवरेट चीजें होती हैं, जैसे आपने टाइगर बिस्किट की बात की, मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि टाइगर बिस्किट का 5 रुपीज का जो एक छोटा पैकेट होगा जो बच्चे बिल्कुल आराम से खा सकते हैं अपने चीज के पैसों से भी, बच्चों को चीज के पैसे मिलते हैं हमेशा, तो उससे उनको 20% डेली डोज मिलेगा आयरन और जिंक, और अगर उसका 10 रुपीज वाला पैकेट होगा तो उससे उसका डबल डोज हो जाएगा। तो आप अपने बच्चों को टाइगर बिस्किट खिलाइए, एंड आई थिंक यहाँ पर इन बातों को हम जारी रखेंगे, वक्त आता है ब्रेक का, ब्रेक के दौरान टाइगर बिस्किट भी खा हम भी खाते हैं, आप भी खिलाइए बच्चों को, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।